बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नादियास किचन इन यूएसए। आज हम बना रहे हैं मुर्गी का आलू वाला सालन, जिसके लिए आपको चाहिए 4 कटे हुए आलू। हमने यहाँ पर छील के आधे काट दिए, एक लाल टमाटर, एक ग्रीन टमाटर छोटे छोटे कटा हुआ। यहाँ पर हमने ली 3 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई बारीक। यहाँ पर हमने इसमें डाली है 2 चम्मच जीरे की। यहाँ पर हमने लिए होल ब्लैक पेपर, हमने 20 से 25 लिए, 3 लौंग, एक छोटी इलायची लिए हमने, एक सिनेमन का टुकड़ा लिया, एक बे लीफ और एक बड़ी काली इलायची, और यहाँ पर हमने लिया 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारे सालन के लिए हमने यहाँ पर लिए होल चिकन। यहाँ पर हमने 1.5 कप तेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे लौंग, होल ब्लैक पेपर, अब हम डाल देंगे हमारी प्याज और हमारे जीरा। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप गोल्डन ब्राउन होने दें। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज पूरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें हमारी चिकन डाल देंगे। और फिर इसमें हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हम डाल देंगे हमारे टमाटर और हमारी मिर्ची। अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी की और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको 3 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है। अब यहाँ पर हमारा सालन भुन गया है। हम इसमें डाल लेंगे 1 चुटकी भर के कसूरी मेथी, और फिर इसमें हम डाल लेंगे हमारे 4 कटे हुए आलू। यहाँ पर हमारे सब स्पाइसेस हैं, जिसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चम्मच कोरिएंडर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल भून चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। यहाँ पर मेरी अम्मी से हमारी पत्ते और इलायची निकाल रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी के। अब आप इसको हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए और पकने दें। यहाँ पर हमने 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें हाई फ्लेम पर इसको जोश खिला के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अब यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा पूरे आलू भी गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। हमारी चिकन भी बिल्कुल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही के, प्लेन योगर्ट, अब बस आप इसको आराम से हल्के हाथ से हिला लें। इसमें हम डालेंगे मिर्ची और हमारा धनिया। अब आप आपके सालन को 5 मिनट और पका ले लो फ्लेम पे, और इसके बाद आपका सालन बिल्कुल तैयार है। जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, हमारा मुर्गी का आलू वाला सालन तैयार है। हमारे आलू भी पक चुके हैं, हमारी चिकन भी तैयार है। यहाँ पर हमने जीरा वाले राइस बनाए हैं, साथ में हमने रखी है हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये आसान रेसिपी है, इसमें इतनी देर भी नहीं लगती है। अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन हो हमारी अगली वीडियो के लिए, तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख दें। आज के लिए बस यही है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।